और कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचंभा में ड्रोन कैमरे द्वारा किया गया सर्वे। वहीं के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद साजिद सिद्दीकी में मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि सड़कों तथा गलियों में चूने इसलिए डलवाए जा रहे हैं कि सरकारों द्वारा गरीबों के लिए घरौनी बनाई जाएगी, उन लोगों को घरौनी दिया जाएगा जिन लोगों के पास ना तो जमीन है ना ही रहने की कोई व्यवस्था। अगर यहाँ के लोग खलिहान में अपना निवास बनाए हैं उनको लेखपालों के द्वारा सर्वे कराकर उनको आवास दिया जाएगा। यही नहीं, निवास कर रहे लोगों से आए दिन विवाद होता रहता है, किसी का रास्ता अवरुद्ध है और किसी की घर की नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। ये सब सारी विवाद समाप्त करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे ब्लॉक कैसरगंज क्षेत्र में ड्रोन कैमरे द्वारा निगरानी करते हुए ब्लॉक कैसरगंज के अंतर्गत निवास कर रहे लोगों को सरकार द्वारा गरीब लोगों को घरौनी मुहैया कराई जाए। प्रधान जी, पहले अपना नाम बताएं और कौन से ग्राम पंचायत में आप रहते हैं? मैं ग्राम पंचायत पचंभा में रहता हूं जी, और ग्राम पंचायत पचंभा प्रधान प्रतिनिधि हूं जी। और आज हमारे गांव में जो है जी, पूरे गांव में चूना डाला जा रहा है। किस लिए डाला जा रहा है? ये लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, लोगों की घरौनी बन जाएगी जी, और सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले समय में जो छोटे 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 मोटे दरवाजे के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं जी गांव में, वो इससे खत्म हो जाएगी। ये हमारी सरकार की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप ये काम किया जा रहा है। और ये कैसे का ड्रोन से होगा? हाँ, ड्रोन आपके सामने देखिए वो चल रहा है, और ड्रोन से सारी गांव के नक्शे तैयार किए जाएंगे, उसी के हिसाब से आगे। हाँ, उसी के हिसाब से आगे जो भी होगा वो लेखपाल साहब हमारे नीतू सिंह है लेखपाल, और रामतेज वर्मा जी उसको कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। धन्यवाद।